शहर के भीतर रैन बसेरे पुलिस की निगरानी में रहेंगे। एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने जिस क्षेत्र में रैन बसेरा है वहां के चौकी प्रभारी हल्का प्रभारी को नोडल अधिकारी बनाया गया। एसएसपी ने कहा कि नोडल अधिकारी रोजाना रैन बसेरों में जाकर जांच करेंगे। शहर के रैन बसेरों में ठहरने वाले लोगों की सुरक्षा को लेकर एसएसपी ने नई व्यवस्था बनाई है। एसएसपी ने कहा कि शहर के रैन बसेरों की नियमित जांच की जाएगी ताकि उसमें ठहरने वाले लोगों के संबंध में जानकारी ली जा सके। इस दौरान रैन बसेरे के रजिस्टर में दर्ज लोगों के नाम, मोबाइल नंबर सहित अन्य की तस्दीक पुलिस करेगी, साथ ही उनका सत्यापन करके एसपी को रिपोर्ट सौंपेगी। इससे रैन बसेरों में अवांछनीय लोग नहीं रुक सकेंगे। कोई भी व्यक्ति किराया देकर इसका दुरुपयोग नहीं कर सकेगा। नोडल अफसर अपने क्षेत्र के रैन बसेरे में मिल रही सुविधाओं से भी अधिकारियों को अवगत कराएंगे। इस संबंध में एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया कि रैन बसेरों की सुरक्षा और व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए संबंधित क्षेत्र के चौकी हल्का प्रभारी को नोडल नियुक्त किया गया है। नोडल अधिकारी रोजाना रैन बसेरे की जाँच करके रिपोर्ट देंगे। इस संबंध में गोरखपुनी संवाददाता से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा, देखिए सर्दी के मौसम को देखते हुए नगर निगम द्वारा जनपद गोरखपुर में और विशेष रूप से सिटी क्षेत्र में 13 ऐसे रैन बसेरे हैं जिनका संचालन किया जा रहा है। उनकी सभी मूलभूत जो सुविधाएं हैं उनका निरीक्षण लगातार नगर निगम के अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। ऐसे रैन बसेरों में रुकने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए और कौन व्यक्ति वहां पर रुकते हैं उसकी वेरिफिकेशन के लिए संबंधित चौकी इंचार्ज को नाम से नोडल ऑफिसर बनाया गया है। निर्देशित किया गया है कि नगर निगम के अधिकारियों द्वारा और जो रैन बसेरों के संचालक हैं उनके संपर्क में रहें, जो भी व्यक्ति वहां पर आकर के रुकता है उसकी वेरिफिकेशन करें और रैन बसेरे की सुरक्षा व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए समय समय पर उसका निरीक्षण करें। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं आनी चाहिए और जो भी पब्लिक वहां पर आकर के रुकना चाह रही है उसको प्रॉपर वहां सुविधा मुहैया कराई जाए, इसके लिए सभी को निर्देश दिए।